तो हेलो भाई लोग, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप फ्री में इमोट्स कैसे ले सकते हैं। जो इमोट्स आपके स्टोर में अवेलेबल है वो सभी इमोट्स आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको फ्री में इमोट्स चाहिए तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो वीडियो में जो ट्रिक बताई जाएगी उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है शुरू से लेकर एंड तक। अगर आप सभी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके भी इमोट्स फ्री में खुल जाएंगे, वो भी बिना किसी डायमंड के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मेन मेन्यू एंट्रेंस को हाइड कर देना और यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको दो बार क्लियर कैची कर लेना और फिर आपको सेंड रिपोर्ट कर देना है और फिर कट कर देना और फिर आपको ऑटो पिकअप में आना है। ऑटो पिकअप में आने के बाद यहाँ जितना भी ऑन है सबको ऑफ कर लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो फास्ट है उसको डिफ़ॉल्ट कर देना है। फिर आपको जाना है अपने नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे जितना भी एक्सेप्ट है सबको रिजेक्ट कर देना है चारों को, और फिर क्विक मैसेज को भी ऑफ कर देना है और फ्री लक रॉयल और डायमंड मेंबरशिप को भी ऑफ कर देना है। फिर आपको कट कर देना है। फिर आपको जाना है स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है कलेक्शन में। कलेक्शन में इमोट में आ जाना है। तो जो इमोट आपको चाहिए उसको आपको 4 से 5 बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपको सेटिंग में जाना और लॉग आउट कर लेना अपने आईडी को। फिर थोड़े देर बाद अपने आईडी को लॉगिन करना और सामने जितना भी इवेंट है सबको कट कर लेना है। तो फिर से आपको जाना है अपने सेटिंग में और यहाँ पे आपने जितना भी चीज़ हाइड किया था उसको शो कर देना है और क्लियर कैची फिर से 2 बार कर देना है। और फिर जाना है ऑटो पिकअप में। ऑटो पिकअप में जाने के बाद जितना चीज़ ऑफ किया था सबको ऑन कर लेना है फिर से, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। और फास्ट भी कर देना और ऑन भी कर लेना है। फिर नोटिफिकेशन में जाना है। जितना चीज़ रिजेक्ट किया था सबको एक्सेप्ट कर लेना है और क्विक मैसेज को भी ऑन कर लेना है। फ्री लक रॉयल को भी और डायमंड मेंबरशिप को भी ऑन कर लेना है। फिर आपको कट करना। कट करने के बाद फिर आपको जाना है लक रॉयल में। लक रॉयल में जाने के बाद यहाँ आपको गोल्ड रॉयल में 2 बार स्पिन कर लेना है। तो जल्दी से स्पिन करने के बाद फिर आपको यहाँ से कट करना और फिर जाना है स्टोर में। स्टोर में जाना है कलेक्शन में और फिर इमोट वाले सेक्शन में। तो मुझे ये वाला इमोट चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करता रहूँगा 5 से 6 बार। उसके बाद फिर परचेस पे क्लिक करना है और परचेस पे क्लिक करके यहाँ 599 डायमंड पे क्लिक करना और गो टू टॉपअप में जाना है। गो टू टॉपअप में जाने के बाद यहाँ 800 डायमंड वाले टॉपअप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, तो आपको फिर बैक कर लेना है, फिर ओके कर देना और फिर कट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर से आपको जाना है टॉपअप वाले सेक्शन में और 800 डायमंड टॉपअप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे जो भी लिखा आएगा ऑप्शन उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। तो सबसे नीचे यहाँ रिडीम कोड का एक सेक्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं एक रिडीम कोड आ रहा होगा आपके सामने, उसी रिडीम कोड को कॉपी करके आपको डाल देना है यहाँ पे और फिर रिडीम कर लेना है। तो जैसे ही आप रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में 1000 डायमंड आ जाएगा। तो जब 1000 डायमंड आ जाए तो फिर आपको स्टोर में जाना और कलेक्शन में जाना और इमोट में जाके इस इमोट को परचेज आपको कर लेना है 1000 डायमंड से। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।